हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्रमोशन जिसे हिंदी में कहते हैं पदोन्नति इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन का मीनिंग इट्स फीचर्स एंड द बेसिस ऑफ प्रमोशन तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रमोशन मीन्स द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर जॉब इन्वॉल्विंग मोर वर्क ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायर स्टेटस प्रमोशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय की या एक कर्मचारी की एडवांसमेंट या तरक्की होना एक हायर जॉब की तरफ जिसमें ज्यादा काम हो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और उस जॉब का स्टेटस भी हाई हो इम्प्लॉय इज प्लेस्ड ऑन अ हायर पोस्ट इन्वॉल्विंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर स्टैटस मोर पे एंड मोर पर्कस एम्प्लॉय को एक हायर पोस्ट पर प्लेस किया जाता है जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पोस्ट का स्टैटस भी बेटर होता है उस पोस्ट में पे भी ज्यादा होती है और पर्क्स भी ज्यादा मिलते हैं इट डज नॉट मीन ओनली इंक्रीमेंट इन सैलरी बिकॉज समटाइम्स इट इंक्रीज एंड इन समे नॉट ऐसा माना जाता है कि प्रमोशन का मतलब होता है कि सिर्फ सैलरी में इंक्रीज होना लेकिन ऐसा नहीं है प्रमोशन का मतलब सिर्फ सैलरी का इंक्रीज होना नहीं है क्योंकि कुछ केसेस में तो सैलरी इंक्रीज होती है लेकिन कुछ केसेस में सैलरी इंक्रीज नहीं होती है और ये हम आगे चल के टाइप्स ऑफ प्रमोशन में भी समझेंगे प्रमोशन इनवॉल्व ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हायर पे एंड कंडीशन एंड अ हायर स्टेटस और रैंक तो प्रमोशन में यानी कि तरक्की में या पदोन्नति में क्या क्या आता है जब एक कर्मचारी की प्रमोशन होती है उसमें उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उसकी पे भी बढ़ती है हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में उसकी सैलरी बढ़े बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं सर्विस की वो बेटर हो जाती हैं एंड स्टैट और रैंक उसका रैंक या स्टैटस भी बढ़ जाता है प्रमोट होकर जनरल मैनेजर बन जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी बढ़ोतरी होगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस भी बेटर होगी और एक वो हायर स्टैटस और रैंक भी इंजॉय करेगा दिसर पे The change in duties and responsibilities form an essential characteristic of the promotion process. Duties or responsibility may change ana promotion ki prakriya ka ek essential characteristic ya ek important feature hai. For example, if a lecturer is appointed the head of department in a college, it is a promotion because it has led to a change of duties and responsibilities. अगर एक लेक्चरर को एक कॉलेज के डिपार्टमेंट का एच अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो भी प्रमोशन होगी क्योंकि उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज आया है सो प्रमोशन मीन्स मूविंग द एम्प्लॉय टू अ जॉब इन्वॉल्विंग मोर वर्क एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंजॉइंग बेटर पे स्टेटस एंड फैसिलिटीज तो प्रमोशन का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉय की तरक्की हो जाती है बेटर जॉब की तरफ जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ज्यादा कार्य भी हो सकता है बेटर पे भी होती है बेटर टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है और एक हाई रैंक भी होता है सो दिस इज प्रमोशन लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्रमोशन इट इन्वॉल्व हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटर जॉब स्टेटस एंड इंक्रीज इन सैलरी

बल्कि इससे ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि इम्प्लॉयज मोटिवेट होकर कार्य करते हैं इट इन्हेंसेज इम्प्लॉय मोराल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन प्रमोशन की प्रक्रिया इम्प्लॉय का मोरल भी इन्हेंस करती है और उसे जॉब सेटिस्फैक्शन भी देती है जो कि इम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक पर्सन तब तक एफिशिएंटली कार्य नहीं कर सकता जब तक उसका मोरल हाई ना हो या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो प्रमोशन इज अ रिवॉर्ड फॉर कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ये एक तरीके का रिवॉर्ड है ऐसे इम्प्लॉयज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं टू फिल अपर वैकेंसीज़ फ्रॉम विदिन दर्गेनाइजेशन प्रमोशन इज रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कुछ वेकेंसीट्स को प्रमोशन के थ्रू फिलअप किया जाता है तो एक संगठन की खाली सीट्स को या वेकेंस को फिलअप करना भी प्रमोशन का एक फीचर है बेसिस ऑफ प्रमोशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रमोशन के आधार क्या क्या हैं, किस आधार पर प्रमोशन दी जाती है और इसे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन भी कहा जाता है तीन आधार है प्रमोशन के फर्स्ट इज प्रमोशन बाय सीनियोरिटी सेकंड इज प्रमोशन बाय मेरिट एंड द थर्ड इज सीनियोरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल लेट्स स्टार्ट विद प्रमोशन बाय सीनियोरिटी इस सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन प्रमोशन बाय सीनियोरिटी इज वेन द प्रमोशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी एंड नॉट मेरिट प्रमोशन बाय सीनियोरिटी होता है जब सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन दी जाती है और ना कि मेरिट के आधार पर बेस्ड ऑन द द टोटल लेंथ ऑफ ऑफ सर्विस एंड काउंटेड फ्रॉम डेट अपॉइंटमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। सीनियोरिटी का मतलब होता है कि एक सर्विस की टोटल लेंथ कितनी है या टोटल पीरियड कितना है और इसको काउंट कब से किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन जिस डेट से एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉय को अपॉइंट या नियुक्त किया जाता है उस डेट से को काउंट किया जाता है। प्रमोशन इस प्रिंसिपल के तहत जो सीनियर मोस्ट कैंडिडेट होता है उसको प्रमोशन पहले मिलती है सो लेट्स एज्यूम फॉर एग्जाम्पल कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट है जिसमें दो कैंडिडेट्स हैं कैंडिडेट ए दस साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास पी नहीं है और दूसरे कैंडिडेट जो कि कैंडिडेट बी है उनके पास पी है लेकिन उनकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस सिर्फ और सिर्फ पांच साल है तो प्रमोशन बाय सीनियोरिटी के तहत अगर उन दोनों कैंडिडेट्स में से किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन बनाना हो तो कैंडिडेट ए को चेयर पर्सन बनाया जाएगा क्योंकि उनके पास सीनियोरिटी ज्यादा है उनकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा है ऑफ वेदर उनके पास पी है या नहीं है मेरिट सच एज क्वालिफिकेशन नॉलेज स्किल्स परफॉर्मेंसेज एट्रा नॉट गिवन वेटेज एज प्रमोशन इज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी क्योंकि प्रमोशन सीनियोरिटी के आधार पर होती है तो क्वालिफिकेशन नॉलेज स्किल या परफॉर्मेंस ऐसे एस्पेक्ट्स मैटर ही नहीं करते तो प्रमोशन बाय सीनियोरिटी के मेरिट्स क्या हैं? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज ऑफ आइडेंटिफाइंग इंप्लॉयज फॉर प्रमोशन एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि किस इंप्लॉय को प्रमोशन देनी है और किसको नहीं देनी है इट क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द इंप्लॉयज इम्प्लॉय के बीच में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है क्योंकि वो एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनको प्रोमोशन कब मिलेगा और ये एस्पेक्ट उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस प्रिंसिपल के तहत ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मोस्ट कैंडिडेट है उनमें तो हमेशा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनकी तो प्रमोशन होनी ही होनी है एंड इट अवॉड फॉर प्रमोशन क्योंकि जो प्रमोशन है वो सीनियोरिटी के बेसिस पर हो रहा है इससे फेवराटिज्म यानी कि पक्षपात और निपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद जैसे एलिमेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि प्रमोशन तो सिर्फ उसी कैंडिडेट का होना है जो सबसे सीनियर हो तो ऐसे में भाई भतीजावाद या पक्षपात जैसे एलिमेंट्स का ज्यादा स्कोप नहीं रह जाता है इट लीड्स टू कॉरियर रिलेशन इन दर्गेनाइजेशन अलोन ऑर्गेनाइजेशन में भी इस प्रिंसिपल से कॉरियर रिलेशनशिप्स बने रहते हैं क्योंकि प्रमोशन तो सीनियोरिटी के आधार पर होनी है इस एलिमेंट की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन की वजह से होने वाले कंफ्लिक्ट नहीं होते हैं

सीनियोरिटी के बेसिस पर प्रमोशन की वजह से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं कई बार उनका भी प्रमोशन नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास वो रिक्वायर्ड सीनियोरिटी नहीं होती है या उनकी लेंथ ऑफ सर्विस दूसरे इम्प्लॉयज के मुकाबले कम होती है विल मोटिवेट अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हुई बट हैव बेटर क्वालिफिकेशन ये ऐसे इम्प्लॉयज को डीमोटिवेट करेगा जिनके पास सीनियोरिटी तो नहीं है बट उनके पास बेटर क्वालिफिकेशन है विच विल लीड टू लॉस ऑफ एफिशियंसी इन द परफॉर्मेंस। इससे उन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस एफिशियंसी में भी गिरावट आएगी बिकॉज उनको पता है कि बेटर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उनको प्रमोशन नहीं मिलना है देर इज नो डिफरेंसिएशन बिटवीन एफिशियंट एंड इनफिशियंट एम्प्लॉयज

इम्प्लॉज वुड नॉट मेक एनी एफर्ट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इम्प्लॉयज़ भी कोई एफर्ट नहीं करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि उन्हें पता है पहले से कि प्रमोशन किसका होना है प्रमोशन तो उन्हीं का होना है जो सीनियर है कॉम्पिटेंट इम्प्लॉयज नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इम्प्लॉयज जो कि कॉम्पिटेंट हैं एफिशेंट हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं है प्रमोशन के लिए क्योंकि उनके पास सीनियोरिटी नहीं है उनकी लेंथ ऑफ सर्विस इतनी ज्यादा नहीं है वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है उनकी प्रमोशन का कोई स्कोप ही नहीं है सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ प्रमोशन बाय सीनियोरिटी नाउ लेट्स डिस्कस अनदर बेसिस ऑफ प्रमोशन विच इज द प्रमोशन बाय मेरिट इन दिस मेथड प्रमोशन बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द इम्प्लॉयज जो प्रमोशन होती है वो किस आधार पर होती है एम्प्लॉयज की मेरिट के आधार पर विच इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन नॉलेज स्किल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अफकोर्स परफॉर्मेंस इन द जॉब क्योंकि प्रमोशन मेरिट के आधार पर है तो इसमें क्वालिफिकेशन भी आ सकती है एक पर्सन की उसकी नॉलेज भी आती है स्किल्स या उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते एंड ऑफ कोर्स उनकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं मेरिट निर्धारित करने के या मेरिट को डिटरमाइन करने के एम्प्लॉय प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द करंट जॉब किस आधार पर एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो उनकी करंट जॉब में परफॉर्मेंस है विच कैन बी नोन थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल डन बाई दर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का पता कैसे चल सकता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है परफॉर्मेंस को रिव्यू करना Seniority is not given weightage. Seniority को इसमें कोई जगह नहीं दी जाती है द एच आर डिपार्टमेंट की जॉब इंक्रीमेंट्स स ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो हर एम्प्लॉय के प्रोपर रिकॉर्ड है, जिसमें हर प्रकार की डिटेल आती है चाहे वो उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो चाहे जॉब इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो या उनको जॉब में किस प्रकार के अवार्ड मिले है, उससे तो, हैं उससे रिलेटेड हो देर आर सेवरल मेरिट्स ऑफ प्रमोशन बाय मेरिट तो प्रमोशन बाय मेरिट की काफी सारी मेरिट्स हैं तो दर्स्ट मेरिट इज दैट इट वैल्यूज द मेरिट ये मेरिट को वैल्यू करता है क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसे कैंडिडेट की प्रमोशन होती है जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो अच्छी स्किल्स हो और एक बेहतर परफॉर्मेंस हो इन कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉयज तो जैसा कि हमने प्रमोशन बाय सीनियरिटी में डिस्कस किया था कि एक कैंडिडेट ए है जो सीनियर है लेकिन पीएचडी एच नहीं है और कैंडिडेट बी हैं जो पीएचडी हैं लेकिन उनके पास सीनियोरिटी नहीं है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस डिपार्टमेंट में हम प्रमोशन बाय मेरिट का क्राइटेरिया लगाएंगे तो प्रमोशन किस कैंडिडेट की होगी किस कैंडिडेट को चेयरपर्सन बनाया जाएगा डिपार्टमेंट का कैंडिडेट बी को क्योंकि उनके पास पीएचडी है उनके पास बेहतर मेरिट है इन कंपैरिजन टू कैंडिडेट इवन एम्प्लॉयज विद लेस एक्सपीरियंस कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन ये काफी बड़ा एडवांटेज है इस मेथड का कि जिन एम्प्लॉयज के पास लेस एक्सपीरियंस है वो भी प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो एफिशिएंटली कार्य करें तो इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर एज प्रमोशन आर बेस्ड ऑन मेरिट क्योंकि प्रमोशन जो है वो मेरिट के आधार पर हो रही है इससे हर एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे जिससे ऑर्गेनाइजेशन में भी एफिशिएंसी आती है

इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज आएगा हाउ इस मेथड के भी कुछ डीमेरिट्स हैं हमने पिछले प्रिंसिपल में डिस्कस किया था कि प्रमोशन बाय सीनियोरिटी में फेवरिटिज्म और नेपोटिज्म की जगह नहीं है लेकिन प्रमोशन बाय मेरिट में देर इज स्कोप फॉर फेवरॉटिज्म एंड नेपोटिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन करते समय अपने फेवरेट्स को प्रेफर कर सकती है या अपने रिलेटिव्स को भी प्रेफर कर सकती है ये एक सीरियस डीमेरिट है प्रमोशन बाय मेरिट का डिटरमाइनिंग मेरिट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इन दी एबसेंस ऑफ एक्यूरेट क्राइटेरिया अगर एक प्रॉपर क्राइटेरिया प्रेजेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट को डिटरमाइन करने का तो ये मेथड बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि जब कोई मेथड ही नहीं है मेरिट डिटरमाइन करने के लिए तो इसमें तो आप इजीली पार्शियलिटी कर सकते हैं और अपने फेवरेट्स को प्रेफर कर सकते हैं नो गारंटीड प्रमोशन इवन इफ द पर्सन पुट इन सेवरल सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन अगर एक पर्सन ने अपने काफी साल दिए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को तब भी इस सिस्टम के तहत इस मेथड के तहत कोई गारंटी नहीं है कि उस पर्सन को कोई प्रमोशन मिलेगा

सीनियोरिटी का मेरिट प्रिंसिपल इन दोनों ही प्रिंसिपल्स का एक मिक्सचर है ये एक ब्लेंडेड मेथड है जो दोनों ही प्रिंसिपल्स को मिक्स करता है एंड इट्स पर्पज इज टू स्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल्स। क्योंकि दोनों ही मेथड्स के या प्रिंसिपल्स के अपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे इस प्रिंसिपल का परपज ये है कि दोनों ही प्रिंसिपल्स के बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश किया जाए इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है द फर्स्ट टाइप इज वेन मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस और सीनियोरिटी प्रमोटेड इस प्रिंसिपल को एक्सरसाइज करने का पहला तरीका यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस को फिक्स कर दिया जाता है यानी कि सीनियोरिटी को फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद जिन एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर है उनको प्रमोट कर दिया जाता है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू वे में समझ सकते हैं इस मेथड में क्या होगा सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी को फिक्स कर दिया जाएगा कि जो भी कैंडिडेट उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल की सर्विस दे देता है वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है तो फिर क्या होता है एक लिस्ट बनाई जाती है ऐसे सभी एम्प्लॉयज की जिन्होंने दस साल की सर्विस दे दी है उस ऑर्गेनाइजेशन को और उस लिस्ट में से जिन कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है या बाकी इंप्लॉयज के कंपैरिजन में बेहतर होती है ऐसे ही कैंडिडेट्स को प्रमोशन दिया जाता है तो इस प्रकार से ये सीनियोरिटी का और मेरिट प्रिंसिपल का मिक्सचर है पहले तो इस प्रिंसिपल में सीनियोरिटी फिक्स करी गई कि आपको 10 साल की सर्विस देनी है और फिर इसमें मेरिट प्रिंसिपल को भी इंक्लूड कर दिया गया कि जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी सिर्फ उसी को प्रमोशन मिलेगा एंड द सेकेंड वे इज दैट अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज विद मिनिमम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड एंड क्वालिफिकेशन आर मेड एलिजिबल फॉर प्रमोशन आउट ऑफ विच द सीनियर एम्प्लॉयज आर गिवेन प्रमोशन फर्स्ट एंड देन द जूनियर एम्प्लॉयज जो सेकेंड वे है फर्स्ट टाइप का ऑपोजिट है इसमें पहले जो लिस्ट बनाई जाएगी वो किसकी बनाई जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाएगी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट पहले बनाई जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के लिए और उसके बाद प्रमोशन सिर्फ उनही एम्प्लॉयज को दिया जाएगा जो सीनियर है और जो जूनियर एम्प्लॉयज हैं उनको बाद में प्रमोशन दिया जाएगा तो ये फर्स्ट टाइप का रिवर्स है बिकॉज इसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की लिस्ट पहले बनाई जा रही है और उसमें से सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रमोशन मिल रहा है जो कि सीनियर हैं या जिनकी सर्विस ज्यादा है इसका एक थर्ड तरीका भी है दैट रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ सीनियरिटी एज़ वेल एज़ मेरिट आर फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन इस थर्ड वे में क्या होता है कि कुछ पोस्ट पर ऑर्गेनाइजेशन में सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन की जाती है और कुछ पोस्ट पर मेरिट के बेसिस पर प्रमोशन की जाती है फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन में फिफ्टी परसेंट फॉर मेरिट एंड फिफ्टी परसेंट फॉर सीनियोरिटी और सेवेंटी परसेंट फॉर मेरिट एंड थर्टी परसेंट टू सीनियोरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन ये रूल बना सकती है कि 50 परसेंट प्रमोशन तो मेरिट बेसिस पर होंगी और 50 परसेंट सीनियोरिटी बेसिस पर होंगी या 70 परसेंट मेरिट पर होंगी और 30 परसेंट सीनियोरिटी के आधार पर होंगी तो इसमें दोनों ही प्रिंसिपल्स को मिक्स करके यूज कर लिया गया है प्रमोशन के लिए सो दिस द कम मेरिट प्रिंसिपल एंड वर द ऑफ प्रमोशन तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रमोशन एंड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट फॉर प्रमोशन थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो